दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं किसानों का जत्था इटारसी पहुंचा। जयस्तंभ पर किसानों ने सभा आयोजित कर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। वहीं किसान नेता अरुण बनकर ने विवादित बयान का वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों पर गोली चलाएगी तो नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में ब्लास्ट कर देंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी उड़ा देंगे जिनके इशारे पर सरकार चल रही है। अरुण बनकर के बयान के बाद खुफिया एजेंसी और पुलिस अलर्ट हो गई है। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है। ये किसान ये हटने वाला नहीं, आपने देखा होगा ये आंदोलन, आपको ये चौपन दिख रहा है, गलत बात है। ये तीन साल से चल, जहां तक हमने ये बोला कि ये किसान पीछे हटने वाला नहीं और मोदी कानून पीछे नहीं लेने वाला, तो ये अवस्था में हमने ये कहा कि ये जो है मोदी क्या करेगा, फिर WTO अदानी अंबानी इनके दबाव से ये पीछे नहीं ले सकता, तो क्या गोली चलाएगा? अगर वो गोली चलाएगा किसानों पर तो उसके बेटे, किसान के बेटे सरहद पर देश की रक्षा कर रहे तो विद्रोह कर देंगे। दूसरी बात ऐसे है कि मैं अरुण बनकर, हम नागपुर के, हम आरएसएस का हेडक्वार्टर जानते हैं, छात्रावस्था से हम आंदोलन में हैं, हम तो अगर गोली चलाएगा किसानों पर तो हम आरएसएस हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे, ये हमारी तैयारी है पूरी। और मोहन भागवत जी जो आरएसएस जिनका माइंड चल रहा है ये सबके पीछे, हम उनको भी उड़ाएंगे, ये मैं खुलेआम कहता हूँ। नागपुर से भी व्यक्त मैं जारी कर चुका हूँ, क्योंकि ये सीधी सी बात है कि मोदी और अमित शाह ने इस देश को बेवकूफों का देश समझ लिया। ये किसान